इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अनुज, मुझे तुमसे बहुत सीरियस बात करनी। पहले मुझे तुम्हें बधाई तो देने दो। मम्मी रुको, हमें विक्रम का वेट करना चाहिए। मेरा मतलब है विक्रम अंकल का। देखो वो बड़े आदमी है, उन्हें आने में देर हो सकती है, और तुम्हारे सब फ्रेंड्स कब से वेट कर रहे हैं। नहीं, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलते। मैं अभी उनको कॉल करके पूछती हूँ वो कहाँ हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो गुप्ता, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दिन अच्छा है, पता है क्यों? कि मेरा दिन अच्छा है, आज मेरी टीम मैच जीत गई है, इसलिए मेरा मैच खेलने का मूड कर रहा है। क्यों बे, खेलेगा मैच? खेलेगा ना सर। तू रेडी है गुप्ता? रैम कर दीजिए, रैम कर दीजिए। हाँ, विक्रम ऐसे सब पे रैम करेगा तो अपना डर तो खत्म हो जाएगा ना भाई। बॉस, बोल। तेरे को दिखता नहीं इधर मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा अर्जेंट। हेलो, आपको कुछ याद भी है? नहीं। कौन सी बात? आप मेरा बर्थडे भूल गए? अरे जाने मन, तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, अच्छी तरह से याद। तो जरूरी काम में फंस गया था, एक 10 मिनट में आता हूँ तुम्हारे पास। है गुप्ता, तेरा दिन सच में बहुत अच्छा है, जा, तेरी जान बख्श दी। सच? भाग जा, इससे पहले कि विक्रम का मन बदल जाए। बेटा केक काटो, मेहमानों को घर भी जाना है। अरे मम्मी, विक्रम अंकल आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं, आ गए। विक्रम की जुबान मतलब पत्थर की लकीर। माफी चाहता हूँ आप सबसे, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। चलिए चलिए, केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नेत्रा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब थोड़ा डेकोरेशन भी कर रहे हैं। कल चंदन मर्डर केस की आखिरी हेयरिंग है, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। कुछ लोगों को पैसा बांटना पड़ेगा, तो वो भी अभी। विक्रम, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ, ये काम तुम्हारा कोई भी आदमी कर सकता है, उससे करा लो। तुम्हें ये गलतफहमी कब से हो गई कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो? तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरा पैसा लगा है, इसलिए तुम मेरे एम्प्लॉय हो, पार्टनर में नहीं। कहो तो तुम्हारी ये गलतफहमी सबके सामने दूर कर दूंगी। नहीं विक्रम, काम हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो एवरीवन,
आप सब लोगों को मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ नेत्रा के बारे में। आपको पता ही नहीं होगा कि नेत्रा एक बहुत बढ़िया डांसर भी है, तो आज इसके जन्मदिन के मौके पर क्यों ना इसका डांस देख लिया जाए। आप सब खाना लग गया, चलिए। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे गिफ्ट तो भूल ही गया। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। जाने मन ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तेरी किसी भी चीज को भूल जाऊं? देखो ये रहा फोन, लेटेस्ट वाला जैसा तुम्हें चाहिए था। थैंक यू सो मच अंकल। ये क्या है अंकल? अंकल विक्रम, विक्रम नाम है मेरा। मेरे बुड्ढे को बुरा लग गया। बुड्ढे को दिखाओ ताकत तुझे इस बुड्ढे की। हा? लग रही है। अच्छा सॉरी सॉरी। दो दिन बाद मैंने अपने लिए हॉलीडे प्लान किया है, दोनों चलेंगे। किन एक शर्त पे? सिंगापुर लेके जाओगे तभी जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। याद है ना पिछली बार खराब सा होटल बुक कर लिया था, दो दिन सिर्फ तुमने मजे किए। जाने मन वादा करता हूँ तुझसे, इस बार ऐसा सरप्राइज दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगी तुम। नेत्रा भाई साहब, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। चलिए खाना लग गया। हाँ भाभी जी मजा आ गया, खाना बहुत स्वाद था। थैंक यू भाई साहब। अरे थैंक यू तो हमें नेत्रा को बोलना चाहिए, इसके डांस ने तो समय बांध दिया। इतना तुम्हें अपने इस टैलेंट को और निखारना चाहिए, मुझे लगता है कोई डांस स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें अपनी एमबीए की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। क्या भाभी जी आपने बर्थडे वाले दिन भी इसको उदास कर दिया। अरे तुम्हारे डांस स्कूल का मैं देख लूंगा, कल ही जाके ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। तुम आधे घंटे से पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे जाने मन मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, और आज अपनी डांस क्लास छोड़ो, हम लोग कहीं सेलिब्रेट करने चलेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा केस जीत गया हूँ, और आज के बाद कोई माइका लाल विक्रम को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ ठीक है तुम जल्दी आओ। हेलो हेलो, बात करते करते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक काम करती हूँ मैं खुद ही डांस क्लास चली जाती हूँ। दो साल पहले तूने मेरे भाई को बड़े बाजार में मारा था, और सारा तिगड़म लगा के तू केस भी जीत गया। सही है, कानून के गिरफ्त से तू बच गया विक्रम, पर बाबू से तू नहीं बच पाएगा। बकिया! भाई पुलिस। विक्रम का मारना इतना आसान नहीं है। तू जरूर मरेगा विक्रम, पक्का मरेगा, वो भी मेरे हाथों से। याद रखना, याद रखना। चल निकल। आज जो डांस रूटीन सिखाया मैंने, आप लोग सब प्रैक्टिस करके आना करो। ठीक है, सी यू सर। बाय। एक्सक्यूज मी, आप अनुज सर हैं? हाँ। मैं नेत्रा, आपसे मेरी बात हुई थी ना? बात हुई थी, लेकिन मैंने तुमको 11 बजे का टाइम दिया था, और अभी 12:30 बजे एंड यू आर लेट। I'm sorry, actually मैं कुछ काम में फंस गई थी। देखो अभी स्टूडियो बंद करने का टाइम हो गया, कल शाम को आना। सर फॉर्म तो भरने दीजिए। देखिए
अगर आपको डांस सीखना है तो आपको टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी, बिकॉज डांस इज ऑल अबाउट टाइमिंग। एंड एक सेकेंड का भी क्यों तुम मिस करती हो ना, पता है उसके वजह से पूरा परफॉर्मेंस बर्बाद हो सकता है तुम्हारा। ठीक है सर, पर इस वक्त मैंने बोल दिया ना एक बार। अच्छा सुनो, फॉर्म फिल कर दो। थैंक यू सो मच सर। हाँ, फॉर्म भरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि नेत्रा कैसा डांस करती है। क्या हुआ, थक गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक और राउंड हो जाए। तुम्हारी बाहों में ना अजीब सा सुकून मिलता है। बाकी का सुकून कर ले लेना, मेरे जाने का वक्त हो रहा है, चाचा जी मुझे लेने आते ही होंगे। उफ, तुम्हारे चाचा जी मुझे ना वो बहुत खड़ूस लगते हैं। अरे वो मेरे लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इनफैक्ट मेरे पापा से भी ज्यादा। अम्मा चलते हो, बाय। रुको, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, तो आज मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ये नेत्रा आजकल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जाने भी दो, कल भी आऊंगी। कल तो बहुत दूर है, दो पल की भी दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती नेत्रा। अरे आप आ गए, बिल्कुल सही वक्त पे आए। अभी हम लोग का डांस परफॉर्मेंस खत्म हुआ है। हाय सर। अब चाचा जी, वो आपकी भतीजी बहुत अच्छी डांसर है, पिछले दो महीने में काफी इंप्रूव किया है इसने। विक्रम, विक्रम नाम है मेरा। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाय बाय विक्रम चाचा। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं विक्रम जी? अरे वो कल का छोकरा जानबूझकर मुझे चाचा जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुम हंस रही हो? I am sorry, उसका वो मतलब नहीं था चाचा जी। तुमको भी मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है ना?
तू उड़ा सकती है, कोई और नहीं। मेरा मन नहीं है। मेरा मन तो है। देखिए ना, मैं पसीने से तरबतर हो रखी हूँ। इतना मुझे तू ऐसे ज्यादा अच्छी लगती है। फोन आ रहा है, मम्मी का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी, मैं तुम्हारी मम्मी कब से बन गया? बस मम्मी, मैं आ ही रही हूँ। अरे तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अच्छा हेलो, सुनो, मैंने तुम्हें सिंगापुर ले जाने का वादा किया था ना? पर अभी तो नहीं जा सकते, मेरा एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है। एक काम करते हैं, एग्जाम के बाद का प्लान करते हैं। देखिए जरा, अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर गया। आप विक्रम को नेत्रा से दूर करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ, विक्रम एक गैंगस्टर है। मेरा काम, ये घर, गाड़ी, ये सब विक्रम की बदौलत है। आप बाप है ना, और ऐसा बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, अगर आप विक्रम से बात नहीं कर सकते तो मैं विक्रम से बात करती हूँ। नहीं नहीं हेमा, तुम कुछ मत कहना। मैं नेत्रा को पढ़ाई के लिए दूर भेज दूंगा, दूसरे शहर में। समय के चलते नेत्रा और विक्रम के बीच में दूरियां बन जाएगी, ठीक है? बेटा दूध रख रही हूँ, पी लेना। अरे मम्मी, आप कब आए? अभी अभी। एग्जाम्स की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो दिन बाद एग्जाम्स हैं और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती, इसलिए अभी आप जाइए, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है। हेलो बेबी, बोला था ना मैंने? मुझे पता है तुम पढ़ाई कर रही थी, पर एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? वही बात जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई। अच्छा, उस दिन तो बात तुम मुझसे कर रही थी, लेकिन ऐसा एक्टिंग क्यों कर रही थी कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो? हाँ, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर अभी नहीं, अभी मेरे एग्जाम्स हैं, बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे लिए एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं फोन रखता हूँ। बाय। बेटा 10 बज गए, रिजल्ट आ गया होगा। इसका मतलब मुझे मुंबई के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, और तुमने हमारा सर फकरे से ऊंचा कर दिया। अच्छा अभी ना मुझे कोचिंग वाले सर ने बुलाया, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा खाना खा के। नहीं 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 नहीं, बाय। मुझे तुमसे बहुत सीरियस बात करनी है। पहले मुझे तुम्हें बधाई तो देने दो, मेरे पास आओ। अरे
हिम्मत कैसे है नेत्रा को हाथ लगाने की? चाचा जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाचा जी, मेरी बात तो सुनिए। विक्रम, उसको जाने दो। अरे विक्रम, विक्रम प्लीज माफ कर दो। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? दुनिया की हर खुशी दी तुझे और तूने मुझे बदले में क्या दिया? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। विक्रम की डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। सजा तो अब मैं दूंगा तुम दोनों को, और ऐसी सजा दूंगा बाजार में ले जाकर चौरस्ते पर मारूंगा। विक्रम, विक्रम प्लीज, विक्रम मुझे माफ कर दो। मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी, किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी। विक्रम प्लीज, प्लीज विक्रम। मौका दो, लेकिन इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बीज बबुल का बोए तो आम कहां से पाए, ये कहावत हमारे रिश्ते में भी लागू होती है। क्योंकि रिश्ते की जमीन पर स्वार्थ का विशाला बीज बोते हैं तो उसका फल भी जहरीला ही मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन, और आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि स्वार्थी मकसद से बनाए गए रिश्तों का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अक्सर इंसान अपने वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार ना करके अपने अतीत की परछाई के पीछे भागता है, जैसे विक्रम के साथ हो रहा था, जिसे अपने उम्र से आधी नेत्रा के साथ अपनी गुजरी जवानी का एहसास देता है। नेत्रा को खुश करने के लिए विक्रम लाखों रुपए उस पे खर्च कर चुका था, उसकी महंगाई पढ़ाई का खर्चा भी उसी ने उठाया, और इस वजह से अब वो नेत्रा पर अपना अधिकार समझने लगा। नेत्रा ये बात भली बात ही जानती थी, और उसने बड़ी चालाकी के साथ विक्रम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मम्मी, ये देखो मेरा बेड है, और यहाँ पीछे खिड़की है, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। और खाने पीने का क्या इंतजाम है? अब हॉस्टल में मैस है ना। देखो बेटा, इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है तुम्हें। पापा, मुझे पता है आप दोनों ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। अब मुझे ना वार्डन का फोन आ रहा है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, बाय। हेलो। हाँ, पहुंच गई? हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, तो बस अब सोऊंगी, कल फिर से क्लासेस हैं। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं रखता हूँ। अच्छा सुनिए ना, मुझे 50,000 की जरूरत है, वो मेरी हॉस्टल की फीस जानी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। अनुज, पता नहीं 2 साल तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगी। तुम्हारे बिना बिताए हर एक पल मुझे गुनाह सा लगता है। जानती हो नेत्रा, हम उससे भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं। क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं? फिर हमें उस विक्रम से डरने की क्या जरूरत है? विक्रम इंसान नहीं, शैतान है, और वो मेरे पापा का बहुत अच्छा दोस्त है। जब मैं छोटी थी ना, तब से वो मेरे घर में आता है। हाँ, मेरे बड़े होने के बाद उसका नजरिया थोड़ा बदल गया, पर वो मेरे लिए पागल हो चुका है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। तुमने देखा है ना, वो गुस्से में कैसे शैतान बन जाता है। सुनो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देखो नेत्रा, हमें विक्रम का सामना करना होगा। लेकिन अभी मेरे एग्जाम्स हैं, तो मुझे पढ़ाई पे ध्यान देने दो। ओके ठीक है। यकीन नहीं होता 2 साल बीत गए, पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो बस शादी करके ना तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। हम तब तक साथ नहीं हो सकते जब तक वो कमीना विक्रम तुम्हारे पीछे पड़ा है। नहीं, बस बहुत हुआ, हमें उसका सामना करना पड़ेगा।
किससे बात कर रहा है? आपसे मतलब? लवान लड़ा रहा है। देखिए, उस दिन के बाद से मैंने नेत्रा से बात करना बंद कर दिया। फोन देगा? नहीं, फोन क्यों? मैं अपना फोन आपको क्यों दूं? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। एक बार बोलो, समझ नहीं आती? उस अनुज का फोन बंद क्यों आ रहा है? उस विक्रम ने उसके साथ क्या किया होगा? हेलो बेटा, आज विक्रम आए थे और उन्होंने तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगा है, और जब तुम्हारे पापा ने उन्हें मना किया तो विक्रम ने गुस्से में आके उन पे गन तान दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। और फिर क्या किया? फिर तुम्हारे पापा को मजबूरी में हाँ करनी पड़ी बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे है नेत्रा को हाथ लगाने की? चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सजा तो अब मैं दूंगा तुम दोनों को, बाजार में ले जाकर चौरस्ते पर मारूंगा। विक्रम, पिछले कुछ सालों से मैंने तुम्हारा हर जुर्म सहा, तुम्हें अपने जिस्म के साथ खेलने दिया, पर अब अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगी। तुम मेरे लिए नासूर बन चुके हो, मुझे तुम्हारा पक्का इलाज करना पड़ेगा। हेलो अनुज, तुम ठीक हो ना? अनुज कुछ बोलो ना, अनुज क्या हुआ? मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। अनुज प्लीज, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। समझने की कोशिश करो नेत्रा। आई एम सॉरी। देखो, मैं बहुत एक साधारण परिवार से हूँ, मैं उस गुंडे का सामना और नहीं कर सकता। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन तुम्हें साथ देना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? हमें विक्रम को अपने रास्ते से हटाना होगा। क्या? होश में तो हो ना? पता है तुम क्या बोल रही हो? अनुज, इंसान को सच्चा प्यार जिंदगी में बस एक बार मिलता है, और अगर तुम उस प्यार के लिए नहीं लड़े ना, तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि मैं विक्रम के होने से पहले अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बताओ, हम ये कैसे करें? तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो विक्रम का काम तमाम कर सके? बाकी पैसों की चिंता मत करना, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। मैं पता करता हूँ उसके बारे, तुम बस पैसों का इंतजाम करो, ठीक है? अक्सर लोगों से ये कहते हुए हमने सुना है कि उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर होता है। उम्र के फासले के कारण दो इंसान अलग अलग नजरिए से समाज को देखता है। क्या सोच, अनुभव और मानसिकता का ये अंतर एक सच्चे प्यार की नींव बन सकता है, या फिर क्या ऐसे रिश्ते समय की बलि चढ़ जाते हैं? क्या नेत्रा और विक्रम का ये रिश्ता भी समय की बलि चढ़ने वाला था? जिस तरह टिक टिक करता टाइम बॉम्ब हर बीते सेकंड के साथ अपने विनाशकारी अंजाम की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी तरह यह दास्तान भी एक बेहद विस्फोटक और दर्दनाक अंजाम की तरफ बढ़ चली थी।
हेलो हेलो हाँ विक्रम कैसे हो? तुम्हारी यादों के सहारे दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही? दरअसल मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स आ गई, ये सब मेरे से पार्टी मांग रहे हैं, तो मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। बस 1,00,000? अरे आज तो तुम मेरी जान भी मांगती ना जाने मन, वो भी दे देता। वो भी दिन जल्दी आएगा विक्रम, उस दिन भी तैयार होगा। चलो तुम्हारे पैसे मैं अभी भेजता हूँ, बाय स्वीट हार्ट। हेलो हेलो अनुज, एक गुड न्यूज है, पैसों का इंतजाम हो गया। सच? इतनी जल्दी? और तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे भी भेज दिए हैं। वैसे मेरे पास भी एक गुड न्यूज है, मुझे उस आदमी का पता चल गया है जो विक्रम को हमारे रास्ते से हटाएगा। बॉस, क्या काम है मुझसे? किसी को रास्ते से हटाना है। माल कितना देगा? 1,00,000। बब्बू चिल्लर के लिए काम नहीं करता। चल निकल, निकालो इसे। एक मिनट, पहले अपना टारगेट को देख लो। तू जरूर मरेगा विक्रम, पक्का मरेगा, वो भी मेरे हाथों से। पर विक्रम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक आदमी है जो आपको उस तक पहुंचने में मदद करेगा। बोलो तैयार हो? अरे आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? मैडम ने खुद फोन कर लिया मुझे। मैडम को तुम्हारी याद आ रही है? सच्ची? याद है ना तुम्हें अपना प्रॉमिस? कौन सा? अरे अपनी हॉलीडे अभी बाकी है, अगले 2 दिन में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अरे तुम तो 3 दिन बाद आने वाली थी ना। ऐसा मैंने घर में बोला है ताकि 2 दिन हम साथ बिता पाए। जाने मन, तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए मैं तुमसे ज्यादा बेसब्र हूं, मैं अभी होटल बुक कराता हूं। विक्रम तूने होटल नहीं अपनी मौत बुक की है। हेलो अनुज, काम हो गया है। विक्रम जाल में फंस गया है। अच्छा सुनिए विक्रम, मैं बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आई। हाँ ठीक है। हेलो अनुज, एक बुरी खबर है, बब्बू का फोन नहीं लग रहा है। क्या, अब क्या करेंगे यार? तुम एक काम करो, विक्रम का ध्यान भटका के रखो, मैं बब्बू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
अरे मैं देखती हूँ अरे किसका कॉल है। अरे कोई जरूरी फोन होगा ना। हेलो बॉस, मार्केट में खबर फैली है कि बब्बू ने आपके नाम की सुपारी ली है। आजकल मैं कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसका फोन था? पता नहीं, होगा तुम्हारे किसी चेले का, लेकिन आज कोई नहीं, आज सिर्फ मैं। एक मिनट मुझे देखने तो दो। एक सुनो, आज मेरे लिए फोन नहीं छोड़ सकते। जाने मन एक बार फोन तो सुनने देती। हेलो बॉस, बब्बू ने आपके नाम की सुपारी ली है। पांड्या क्या बकवास कर रहा है? चुप, सुन बे सुन, आज तेरा बॉस विक्रम कुत्ते की मौत मारा जाएगा। नेत्रा क्या क्या बोल रही हो तुम? और तुझे पता है इसकी सुपारी किसने दी है? मैंने। क्या? हाथ खोल मेरे, क्यों किया तूने ऐसा? नेत्रा मैं तो प्यार करता हूँ तुमसे और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। नफरत, नफरत करती हूँ मैं तुझसे। तूने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। जिस उम्र में मुझे गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलना चाहिए था, उस उम्र में तूने मुझे औरत बना दिया। हजारों लाखों रुपए खर्च भी किए तुम पर। वो सब सौदा था। तूने अपने शौक के लिए मेरा जिस्म का इस्तेमाल किया तो मैंने भी तेरे पैसों के लिए इस्तेमाल होने दिया। पर जब से मेरी लाइफ में अनुज आया ना, सब कुछ बदल गया। लेकिन अब मैं तुझसे बहुत नफरत करती हूँ। तुझे इस तरह तड़पते हुए ना देखना चाहती हूँ। एक बार मेरे हाथ खोल दे। हाथ खोल मेरे! तड़प और तड़प, अब मजा आ रहा है मुझे। इस विक्टिम की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। यस मैम। क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, विक्रम अंकल मुझे यहाँ धमकी देकर लाए थे और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लगभग 2 बजे एक आदमी आया था अंदर, उसने नकाब बांधा हुआ था, उसके हाथ में गन थी और उसने विक्रम अंकल को मार दिया। ठीक है, तुम बाहर इंतजार करो। इस लड़की की कुंडली खंगालो, इसके फोन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड सब टोटलो और देखो कितना सच बोल रही है लड़की। जी मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। हमने नेत्रा के बारे में पूछताछ की तो पता चला है कि वो इतनी भोली है नहीं जितना उस दिन बंद रही थी। मतलब? उसके पड़ोस वाले लोगों ने बताया विक्रम और उसका अफेयर था। उसके ग्रेजुएशन का खर्चा भी विक्रम ने ही उठाया है। हाँ, लेकिन उसी दौरान वो एक लड़की के टच में थी, अनुज, उसका डांस टीचर। मैडम हमने नेत्रा के कॉलेज के फ्रेंड से भी बात की तो पता चला है कि वो कॉलेज में विक्रम और अनुज दोनों से फोन पे बात किया करती थी। एक हसीना दो दीवाने। जी मैडम। अपने मर्डर से एक दिन पहले ही विक्रम ने नेत्रा के अकाउंट में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किए और नेत्रा ने वो अनुज के अकाउंट में ट्रांसफर किए और अनुज ने वो पैसे बाबू मल्ला को दे दिए।
बाबू मल्ला? जी वही बाबू मल्ला जिसके भाई चंदन को विक्रम ने कुछ साल पहले मार दिया था। अच्छा तो अब समझ में आया, विक्रम जैसे बड़े गैंगस्टर को मारने के लिए नेत्रा और अनुज ने बाबू को हायर किया, क्योंकि बाबू की विक्रम से पुरानी रंजिश थी। जी मैडम। चलो इन सबको इनके असली ठिकाने पहुंचाते हैं। क्या बात है मैडम? नेत्रा हमारी बेटी है, क्या हुआ? नेत्रा हमारे पास पुख्ता सबूत है कि विक्रम गुज्जर की हत्या में तुम्हारा हाथ है। नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब ये मिन्नत जाकर ना अदालत में करना। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मैं आई एम सॉरी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी आखिरी सांस तक विक्रम से लड़ सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा ही गलत रास्ता चुना। अब चलो हमारे साथ। विक्रम नेत्रा के पिता की उम्र का था। नेत्रा विक्रम के सामने ही बड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, विक्रम की गलत नजर उस पर पड़ी और कच्ची उम्र में उसने नेत्रा को अपने जाल में फंसा लिया। नेत्रा नाबालिग जरूर थी, लेकिन सही गलत का अंदाजा उसे भी था। लेकिन विक्रम से उसे जो महंगे तोहफे मिल रहे थे, उसे देखकर नेत्रा को लगा ये जो रिश्ता है वो एक फायदे का सौदा था। विक्रम और नेत्रा के अलावा कोई और भी है जो इस विभत्स अपराध का जिम्मेदार है, और वो है नेत्रा के माता पिता। विक्रम और नेत्रा के इस रिश्ते के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन विक्रम के भय की वजह से उन्होंने अपनी आवाज उठाना उचित नहीं समझा, और इसका नतीजा ये हुआ कि एक तरफ रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हुई, तो वही दूसरी तरफ नेत्रा और उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इस संगीन जुर्म के लिए बब्बू नेत्रा और अनुज पर हत्या और हत्या की साजिश रचने जैसे तमाम मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, जहां सच्चे और भावनात्मक रिश्ते हमारे जीवन को नई ऊर्जा से भर देते हैं, तो वही स्वार्थी और अनैतिक रिश्ते दर्द और बुरी यादें ही दे सकते हैं। इसलिए एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है कि रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता हो। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूं। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।